नमस्कार, आज इस वीडियो में गिव अवे कॉन्टेस्ट के क्लूज है। सो वीडियो ध्यान से देखना बिना फॉरवर्ड किए। और इसी बात पर मैं श्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके बेस्ट एवर कुकिंग शो पे। और आज सूट बना रहे हैं दाल मखनी या फिर माँ की दाल। एक्चुअली अक्खी उड़द दाल नहीं थी, सो उसने यूज किया। और हाँ, वो राजमा के थोड़े बहुत दाने भी डालना भूल गया। सो एनीवेज, रात भर भिगोए हुए 250 से 300 ग्राम उड़द दाल, फिर एक प्रेशर कुकर, उसको गरम, उसमें तेल, दो तरह का तेल यूज़ किया सूट ने, एक पीनट ऑयल एंड दूजा सरसों का तेल। सूट का कहना है कि ये दोनों ही फ्लेवर एनहांस करते हैं। तेल गरम होते ही उसमें डाला 1.5 टीस्पून जीरा, 3 छोटी इलायची, 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच सिनेमन। एक बार ये तेल को जब महका दे, तब डाला 1 इंच क्रश जिंजर एंड 2 छोटे क्वार्टर्ड प्याज। इन सब को थोड़ा सा चला डाला। रात भर के सोक्ड भीगे हुए काली दाल एंड मिक्स एंड देन उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 से 4 शेक्स हींग। हींग दाल को डाइजेस्ट करता है अच्छे से और गैस अवॉइड करता है। फिर इसमें डाला 2-3 कप पानी, प्रेशर कुकर का लिड ऑन एंड 5 to 6 सीटीज। अब जब तक ये दाल उबलता है, हम करेंगे तैयार इसके तड़के की। बहुत ही सिंपल है ये। एक पैन लिया या कढ़ाई या जो आपकी इच्छा हो वो, उसमें डाला तेल, पैन और तेल को किया गरम, उसमें डाला 2 बड़े बड़े प्याज चॉप, फिर इसको किया सॉटे फॉर 3 to 5 मिनट्स तक थोड़ा नमक के साथ, क्योंकि नमक कुकिंग टाइम को रिड्यूस करता है। जब तक प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, उसमें फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट एंड अच्छे से किया मिक्स एंड कुक। 2 से 3 मिनट के बाद सूट ने डाला 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, अच्छे से मिक्स। फिर डाला 1/4 कप वाटर ताकि मसाले जले नहीं। फिर अच्छे से चला चला के मसाले और प्याज एंड अदरक लहसुन को भून लिया। फिर उसमें डाला 2 से 3 रफली कटे हुए टमाटर। टमाटर डालते ही आपको पता है सूट डालेगा शक्कर एंड फिर से सॉटे फॉर 4 मिनट्स इन अ मीडियम लो फ्लेम। फिर गैस को सिम पे रख के पैन को ढक के 5 से 10 मिनट तक छोड़ दे। जब तक ये कुक होता है, हम बनाएंगे नान के लिए आटा। आज का नान थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें हाफ मैदा है और हाफ गेहूं का आटा, बाकी सब सिंपल है। उसमें डाला थोड़ा नमक, फिर ईस्ट, शक्कर एंड दूध का पानी। अब इसको 5 मिनट्स रेस्ट, फिर मिक्स इट टू अ डो। आपको अगर नान की रेसिपी जाननी है तो टॉप राइट साइड कॉर्नर पे जो लिंक है उसको क्लिक करो। अब सूट विल टॉक अबाउट हाउ टू विन द गिव अवे। इस वीडियो में, पूरे वीडियो में मैंने कोड नंबर्स डाले हुए हैं और वो कोड नंबर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, सो यू विन समथिंग नाइस। ओह बाय द वे, कोड नंबर्स आर ऑफ 7 डिजिट्स। ओके, सो अब लौटते हैं हमारे प्याज और टमाटर की ग्रेवी के पास। थोड़ा सा किया मिक्स, फिर इसमें डाला बॉइल्ड दाल फ्रॉम द प्रेशर कुकर, थोड़ा सा पानी डाला और अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे सूट ने अच्छे से घोट लिया। घोट लेने के बाद डाला ढक्कन एंड सिमर होने दिया फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स बाद डाला इसमें 2 टीस्पून सूट का गरम मसाला। गरम मसाला डाल के इसमें डाला 2 टेबलस्पून घी। फिर एक टेस्ट किया तो पता चला कि नमक ज़्यादा हो गया, तो नमक एडजस्ट करने के लिए 2 बड़े टमाटर पीस के दाल में डाला और थोड़ा सा शक्कर एंड ढक्कन बंद फॉर 15 मिनट्स एंड ऑफ कोर्स कोरिएंडर डाल के। 15 मिनट बाद
दाल का फाइनल तड़का, एक तड़के वाली पैन, पैन में सरसों का तेल और घी, उसमें गया जीरा, दो लाल मिर्च और सारा तड़का इन द दाल। फिर 1/4 कप क्रीम अच्छे से मिक्स एंड इट इज रेडी। अब बारी है नान बनाने की। नान बनाने का सेम प्रोसेस है, क्यों ना आप हमारे नान वाला वीडियो, सॉरी नान वाली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है उस वीडियो का लिंक। एंड बिकॉज सुड हैज़ नो रिगार्ड्स और नो फियर फॉर हिज हेल्थ, उसने अपने लिए एक और तड़का मारा फिर से, और इस बार 2 टेबलस्पून घी, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, फिर 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, cause he likes it that way, and देखो दाल में डाला and served it and shots बनाया। आपने तो देखा ही होगा उस वीडियो को कल, नहीं देखा तो देख लो। So did you get the code? अगर आप लोगों को कोड मिला है तो कमेंट करके जल्दी से बता दे, सही जवाब देने वाला होगा विनर, और विनर हम डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट संडे, नॉट दिस संडे, ओके? सो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो एज यूजुअल लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी दाल मखनी की रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप सभी को हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे, और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर कीजिए। और हाँ, हम जब नेक्स्ट संडे को लाइव आएंगे तब विनर डिक्लेयर होगा, ठीक है? समझ गए? बाय बाय। इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी विनर्स डिक्लेयर होंगे, सो जल्दी से कोड ढूंढिए और कमेंट कीजिए।